हेलो, ये ऐसे सेंटर सूट का सेंटर से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा फॉर्म, तो इसके लिए मैंने लिया है राउंड 10 नंबर ब्रश। थोड़ा सा यहाँ पर जैसे फ्लावर बनाना है, थोड़ा सा यहाँ पर एक फ्लावर बना देंगे, यहाँ पर बना देंगे, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेंगे। फ्री हैंड है तो इसको ब्रश को आपने जब भी चलाना है, वैसे तो आप इसकी चला पाओगे इसको, इसको अच्छी तरह से राउंड ब्रश है और इसको अच्छी तरह से ऐसे करके तो आप अपने हिसाब से इसको नीचे की तरफ आएगा आपका। अच्छे से चलाना है आपने और बस ऐसे ऐसे आपने डिप करते जाना है और चलाते जाना है ऐसे। इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे इसके पैटर्न्स जो हैं ड्रॉ करने हैं, थोड़ा अंदर की तरफ राउंड करके ना फैला देना है इसको कलर को, थोड़ा सा ऊपर से ये राउंड भी लगे बस ऐसे करके, थोड़ा और थोड़ा। ये बहुत ही इजी काम है, सुंदर बनता है हालांकि। उसके बाद हम कलर उठाते हैं वाइट, वाइट कलर उठाते हैं और ये जो पेटल्स हैं अब इसमें हम वाइट का कलर, आपका थिन रहना चाहिए, स्मूथली ब्रश का जो है वो होना चाहिए, ये ऐसे उठाइए, अब ऐसे उठाते जाइए। थोड़ा थोड़ा इधर से ताकि पूरा फ्लावर आपका ना भरा भरा सा लगे ऐसे, थोड़ा नीचे से इसको हल्का हल्का सा आप देते जाइए ऐसे करके, थोड़ा नीचे से भी लीफ थोड़ा थोड़ा वाइट के इफेक्ट आ जाएगा ना, तो ये ऐसे आप बना सेम यही फ्लावर हम बनाएंगे। बस जरा सा आपने इसको उठाना है, भरा भरा सा कुछ ऐसा नंबर भी ले सकते हो आप। उससे आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐसे पतला पतला सा ना ऐसे ऐसे थोड़ा सा पूरा इसको ऐसे चोर देना ऐसे। दूसरी फ्लावर पर भी आपको यही करना है, राउंड में बड बना देंगे ऐसे ऐसे बनाते हैं, फिर थोड़ा सा वाइट का इफेक्ट देंगे इसी बड के ऊपर, थोड़ा सा वाइट में, थोड़ा सा कहीं कहीं वाइट में, कहीं कहीं पिंक ही बना देंगे ऐसे करके, थोड़ा थोड़ा आप एडजस्ट करते जाइए अपने हिसाब से। जैसे इसके साथ मैंने बना दिया हल्का सा बीच में आम वाइट ऐड कर दिया, फिर यहाँ पर एक बना दीजिए क्योंकि बर्ड्स और फ्लावर का रहता है, हर एक
डिज़ाइन में अगर आप बर्ड्स बना देती हो ना दो तीन, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट बनता है। इस डिज़ाइन आप इसको यहाँ पर ऐसे ऐसे सभी में ऐसे ही करेंगे। लीफ की थोड़ी ऐसे करके ना हम शेप दे देंगे, ऐसे थोड़ी सी कहीं कहीं शेप में बना दिया, ऐसे थोड़ी आर्टिस्ट्री सा वर्क करके इसकी हम शेप दे देंगे। जैसे यहाँ पर भी है, धीरे धीरे हम इसकी फिलिंग कर देते हैं। एक साइड आप फिल कर दीजिए, ये देखिए। उसके बाद हम सामने साइड जो है इसकी लीफ की वाइट से थोड़ा थोड़ा इफेक्ट खुद ब खुद आता जाएगा, शेडिंग हो जाएगी। हम इसको अगर 3D करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा वाइट को भी ब्रश में लेकर, इसी ब्रश में लेकर, तो बस ऐसे पतली पतली से हमें नाइस लाइट लाइट सा रहता है लाइन्स इसकी, तो कहीं कहीं सूट जाए तो कलर बढ़ा लीजिए ऐसे हल्का हल्का सा, हल्का हल्का सा ऐसे राउंड में, जैसे ऐसे करके ना इसकी जो शाखाएं हैं ब्रीक 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 ऐसे पत्ती पत्ती सी जैसे आप कहते हैं, तो वो